गणगौर भारत में राजस्थान का एक बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है, जिसमें ईश्वर जी यानी शिव जी और गोरा जी यानी कि पार्वती जी की पूजा की जाती है। यह पूजा होलिका दहन के दूसरे दिन से 16 दिन के लिए पूजी जाती है। यह पूजा घर की कुंवारी लड़कियां और सुहागन औरतें करती हैं। बहुत पहले यह पूजा छोटी उम्र में ही शुरू कर देते थे। इस पूजा का यह नियम है कि इस पूजा को अगर कुंवारी लड़कियां पूजती हैं तो जब तक शादी नहीं होती तब तक हर साल गणगौर पूजना होता है। मैंने भी अपनी शादी से 4 साल पहले ही इसकी पूजा शुरू कर दी थी। शादी के साल गणगौर की पूजा करके उद्यापन कर दिया जाता है। फिर सिर्फ साल में एक बार चैत के मावस के बाद की तीज को गणगौर पूजी जाती है। यह पूजा शादी के साल लड़की के मायके में होती है, पर बहुत परिवारों में गणगौर नहीं मनाई जाती है, इसलिए ससुराल में ही पूजाते हैं। इस बार मेरे ही परिवार में गणगौर घर आई थी और बहू को ससुराल में ही पूजाया गया था, जिसमें हमें भी शामिल होने का अवसर मिला था। तो यहाँ पे उसी की कुछ क्लिप्स हैं जो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। ये वही तंबोला टिकट से जिसको मैंने बनाया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा उसका वीडियो तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी। तीज के दिन सुबह सुबह ये पूजा होती है। उसी दिन शाम को गणगौर का विसर्जन भी था। तो यहाँ पे विसर्जन के समय की कुछ झलकियाँ हैं। इन भाभी जी के यहाँ गणगौर आई थी, इन्होंने अपनी बहू को भी पूजाया था। जो चुनरी उड़ी हुई है वो इनकी बहू है। गणगौर के दिन ही बंगाल में पहला बैसाख था। पहला बैसाख यहाँ का बहुत बड़ा फेस्टिवल है, बंगाली लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो कुछ बंगाली भी यहाँ पे मिले थे।
और बहुत सारे मारवाड़ी थे जो अपने गणगौर विसर्जन के लिए आए हुए थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, टेक केयर।